हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का द बैंकर में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने के बहुत सारे इसके अंदर में राज छिपे हुए हैं, तो वीडियो को जरूर है कि शुरू से अंत तक देखेंगे। और इस वीडियो को मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा, जो भी चीज बताने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन जब हुए, मेरे 2 दिन एग्जाम हुए, 8 शिफ्ट के अंदर में टोटल एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन की नहीं पता आईबीपीएस कैसे जगह पर एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, जबकि फीस के बारे में बात करें तो आईबीपीएस जो है वो 850 रुपए अपने फीस कर दिया। और जिस सेंटर पे एग्जामिनेशन है वो सेंटर पे ऐसा सुविधा है कि जिससे कि एक स्टूडेंट नहीं पता कि वो क्या करे और क्या ना करे, उस समय वो ये सोच रहा है। दूसरी तरफ एग्जामिनेशन के लेवल की बात तो हम लोग वहां पे करेंगे ही करेंगे। तो पहला चीज तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा फ्रेंड्स, आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से छोटे भी यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा एग्जामिनेशन सेंटर में, तो जरूर है कि आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएंगे। ये चैनल मैं आपके साथ रहूंगा, आपसे जितना सपोर्ट आपको किया जा सकता है उतना सपोर्ट करने का प्रयास मेरे तरफ से गारंटी है कि इस चीजों का मैं लेता हूं कि मैं आप लोग साथ खड़ा रहूंगा जरूर, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोग को बताऊं कि यहाँ पे प्रॉब्लम किस किस तरह का देखने को मिला। कुछ सेंटर ऐसे थे जहां पर एग्जामिनेशन के समय में माउस जो है वो चलना बंद हो गया था। कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां पर मॉनिटर जो है वो कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ ऐसा होने लग गया। फिर जो वहां पर इन्वेलेटर होते हैं उन्होंने एक सिस्टम को एक बार बंद कर दिया कि जिससे कि टाइमर ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऑन करने के बाद टाइमर चल रहा था। स्टूडेंट्स ये सारे प्रॉब्लम को फेस किया है। और एक सेंटर तो खैर ऐसा सुनने को मिला जहां पर पूरे दिन भर एग्जाम ही नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये किस तरह की सुविधा आईबीपीएस दे रहा है, कहीं ना कहीं मैं आईबीपीएस से ये बात जानना चाहता हूं कि आखिर में आप 850 रुपए फीस देने के बाद इस तरह के काम को क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब हमने ये सारे प्रॉब्लम को तो फेस कर ही रहा था एक स्टूडेंट, और आरआरबी पीओ के जब एग्जामिनेशन देने के लिए आए तो उन्हें पता चल रहा है कि वो आरआरबी पीओ का नहीं, शायद वो आईबीपीएस पीओ का प्री एग्जाम दे रहा है, एसबीआई पीओ के प्री का एग्जाम दे रहा है, या फिर उससे भी ऊपर का लेवल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। यानी कि ये सारे प्रॉब्लम के साथ क्वेश्चन का लेवल जो है और खासकर क्वांट का लेवल एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिया, और वो आज इस असमंजस में है कि हम क्या करें, क्या हमें मेंस के प्रिपरेशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख रहे हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखने के बाद लग रहा है कि मेरे अटेम्प्ट भी नहीं हुए हैं। इतने हजारों कहते हैं सैकड़ों जो है वो मॉक हमने लगाया, लेकिन उसकी कोई फायदा हमें एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिला है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिख भी रहा होगा कि 40 से 50 अटेम्प्ट वाले जरूर देखे। इसके पीछे की राज मैं आपको बताऊं तो देखो फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर से हर एक स्टेट में कट ऑफ जो है वो डाउन होने वाला है, ठीक है, 100% डाउन होने वाला। मैं 110% गारंटी के साथ बोलता हूं कि कट ऑफ जो है वो कम से कम 2 से 3 नंबर, 3 नंबर तो कम से कम जो है 2.5 से 3 नंबर आपका कट ऑफ लास्ट ईयर से, आप किसी भी स्टेट से होंगे तो इतना तो कम से कम जाएगा। दूसरी चीज, 8 शिफ्ट के अंदर में सिर्फ फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के बारे में छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे शिफ्ट में पेपर के लेवल हमें जबरदस्त देखने को मिला था, ठीक है। और दूसरी चीज, जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन होते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि 2.5 से 3 नंबर जो है वो कम से कम कट ऑफ डाउन होगा। अब स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मेरी अटेम्प्ट इतने हैं, लास्ट ईयर मेरी कट ऑफ मेरे स्टेट में इतने गए थे, अब 2.5 से 3 नंबर कम करने के बाद भी हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मल्टीपल शिफ्ट में जब भी एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ते हैं तो आरआरबी की रिकॉर्ड है नॉर्मलाइजेशन में 8-8, 10-10 नंबर भी बढ़ते हुए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, तो शायद आपकी भी बढ़ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स है, और मैक्सिमम स्टूडेंट की जो रेंज है ना वो है 42-44 से लेकर के 50-55 तक में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है ना, यदि आपकी एक्यूरेसी पे आपने काम किया है, ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे और आप
कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं। रही बात, आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर दो चीजों को बताएंगे, एक तो, और सारे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे अपने प्रॉब्लम को, और टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया है क्वांट में, कितना रीजनिंग में, कितना, इस चीज को जरूर शेयर कीजिए। मैं आप लोग के साथ फिर से ये कहता हूं, जिस भी छोटे छोटे प्रॉब्लम में मैं आपके साथ रहने वाला हूं। रही बात, चैनल के अंदर में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बैंकर। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।